Vamos dar caro, vamos dar caro, vamos dar caro. पेड एम्प्लॉयज यूनियन का जम्मू कश्मीर का स्टेट प्रेसिडेंट, मैं आज आपके माध्यम से गवर्नर इंतजामिया को अपील करना चाहता हूं। हम जैसे गरीब मुलाजिम हैं, स्कूलों में हम काम करते हैं, CPWS करते हैं काम, हम 500 से लेकर 1000 रुपए तनख्वाह ले रहे थे, लेकिन 2017 से हमें माकमे ने वो हमें बंद किया है, बोला आपको 225 रुपए के हिसाब से तनख्वाह दे देंगे, जिसकी दो बार बजट भी बनी हुई है, लेकिन बदकिस्मती के आलम देखो आज तक वो हमें रिलीज नहीं हुआ है। हम अपील करना चाहते हैं बिल 4 खुदारा मेहरबानी करके हम हमारे हक में मिनिमम एक्ट के हिसाब से तनख्वाह रिलीज किया जाए, और जो बाकी हमें SRO 308 के तहत 50% कोटा मिलता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन हमारे जो पोस्ट है ऑलरेडी फ्रीज कर दिया है उन्होंने, उधर पोस्ट ही नहीं है। अब डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन का हम बहुत शुक्रगुजार है, उसने हमारा एक आर्डर निकाला है, सीआई साहिबान को हिदायत दी थी कि आप DPC करो, इन CPWM को मसला एंड करो, हल करो, लेकिन बदकिस्मती है कुछ सीओ साहिबान उसमें लेतलाल करते हैं, आजकल करते हैं। कुछ सीओ साहिबान का हम शुक्रगुजार है जिन्होंने इस पर काम शुरू किया है, खास तौर पर सीओ शुपियन जो है वो इन CPWM को सफर कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उनने दो डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने वो क्लियर कर दिया है, वो आजकल उनको करते हैं DPC नहीं करते हैं। हम आपके माध्यम से उसको गुजारिश करते हैं मेहरबानी करके इन जैसे गरीब मुलाजिमों का मसला हल कीजिए, और गवर्नर निज़ाम से यही मैसेज करते हैं कि मेहरबानी करके हम जैसे गरीब मुलाजिमों के हक में मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से तनख्वाह रिलीज़ किया जाए। बाकी